फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये बेडशीट बनाएंगे। इसके लिए हम इसके किनारों को मोड़ लेंगे जिससे बेडशीट में सफाई आए। उसके बाद इस लेस को लगाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी बेडशीट बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने इसमें चार तरफ लेस लगा दी है, अंदर साइड से किनारे मोड़ दिए हैं। ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम अपने कान्हा जी के लिए पिलो बनाएंगे। ये हमारा मेन पिलो है, इस पर हमारे कान्हा जी सिर को सोएंगे। इस पिलो की हमने चौड़ाई रखी है 2 इंच और लंबाई रखी 3 इंच। अब हम इस पिलो को सिलना शुरू करेंगे। हम इसको उल्टा करके इसे साइड साइड में सिलाई लगाएंगे। इसे आप मशीन की सिलाई से भी सिल सकते हैं। हमने ये सिल लिया है, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। और इसमें फॉर्म भरेंगे। ये हमने पहले से कट करके रख ली है। इस साइड में सिलाई लगा लेंगे। अंदर मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम दिल के आकार के प्लू बनाएंगे। इसको मैंने कार्डबोर्ड पर कट कर लिया है। अब हम इसको कपड़े पे ड्रॉ करेंगे। सिलाई के लिए छोड़ने के लिए काटेंगे। ये हमें थोड़ा सिलाई के लिए छोड़ने के लिए हमें कपड़ा छुड़ा है। इसी प्रकार से हम 4 पीस काट लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने पिलो के पीस कट कर लिए हैं। अब मैं इन्हें उल्टा करके सिलूंगी। और साइड में थोड़ा सा फॉर्म बनने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे सिलाई से भी सिल सकते हैं।
फ्रेंड्स, अब हम राउंड पिलो बनाएंगे। इसके लिए हमें 3 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा एक चौकोर कपड़ा लिया है। इसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने का हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाएंगे, उसको सीधा करेंगे, उसका उसमें फॉर्म भरेंगे। हमने ये सीधा करके उसमें फॉर्म भर दिए। हम इसको साइड साइड से सिलेंगे, इसको थोड़ा सा मोड़ के। ये हमने पिलो बनाए हैं। ये हमारा मेन पिलो है। इसमें हम साइड साइड में सितारे लगाए हैं। बीच में हमारे काना जी सिर रख के सोएंगे। ये हमने राउंड पिलो बनाए हैं। इसमें हमने लेस लगा दी है। ये हमने हार्ट शेप के पिलो बनाए हैं। इसमें हमने केक कन्हैया और आर राधा जी का नाम लिखा है। ये हमने स्क्वायर शेप के पिलो बनाए हैं। हमारे पिलो तैयार हो गए हैं। अब हम अपने काना जी के बेड के लिए नेट बनाएंगे, जिससे मस्कुट तक नहीं पहुंचे। इसके लिए हमें 4 स्टिक ली हैं। हम इन स्टिक को गोल्डन गोटा से कवर कर देंगे। हमारे बेड की चौड़ाई 4.5 इंच है और इसकी लंबाई 5.5 इंच है। और हमने स्टिक की लंबाई भी 5.5 इंच रखी है। स्टिक 5.5 इंच की है। स्टिक को गोल्डन गोटा से कवर कर लिया है। अब हम इनको बेड की चादर लगाएंगे। हमने एक नेट की पट्टी ली है। इसके दोनों तरफ हमने गोल्डन गोटा लगा दिया है और नीचे भी हमने एक गोल्डन गोटा लगा दिया है। हम ये पट्टी इस प्रकार से ली है। अब हमारे बेड की चौड़ाई है 4.5 इंच मल्टीप्लाई 2 और बेड की लंबाई है 5.5 इंच मल्टीप्लाई 2 मतलब कि 9 इंच तो चौड़ाई और 11 इंच की लंबाई इजिकल टू 20 इंच की हमने ये नेट ली नेट की है। नेट हमारी 20 इंच की है और इसकी ऊंचाई हमने रखी है 5.5 इंच की। ये नेट की पट्टी हमारे बेड काना जी बेड को इस तरह से कवर करेगी। एक पट्टी हमने ऊपर के लिए रखी है, ये ऊपर जॉइंट होगी। इस पट्टी की हमने लंबाई रखी है 6 इंच और चौड़ाई रखी है 5 इंच। आधा इंच हमने सिलने को एक्स्ट्रा रखा है। इस पट्टी को हम ऊपर इस तरह से जॉइंट कर देंगे। हमारी ये नेट बनकर तैयार हो गई है। हमने इसमें 20 इंच की नेट की जो पट्टी थी उसमें ऊपर छोटी पट्टी हमने जॉइंट कर दी थी। उसके बाद हमने डेकोरेशन के लिए ग्रीन और येलो कलर की ये नेट हमने साइड साइड में लगा दी है डिजाइन करने डिजाइन के लिए। और उसके बाद हमें डिजाइन दर पम पम भी हमने ऊपर से पेस्ट कर दी है। हमारे काना जी का मस्कुटो नेट वाला बेड बनकर तैयार हो गया। इसके अंदर हमारे काना जी बड़े आराम से सो सकेंगे। इसके अंदर मस्कुटो नहीं जा पाएंगे और हम जब चाहें इस मस्कुटो नेट को हटा भी सकते हैं।
हम इसको इस तरह से ऊपर से करके हटा सकते हैं। और यदि लगाना चाहें तो इसको ऊपर से ऐसे लगा भी सकते हैं।